नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डीओडीओ की तरफ से। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और मैं देखो सभी लोगों से, जो भी भाई हैं मेरे, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं भाई, सभी से ये गुजारिश है कि जो भी भाई देखता है बस एक लाइक का बटन दबा दिया करो, वीडियो को देख लिया करो, स्किप मत करा करो। क्योंकि भाई जब आदमी कोई फ्री होता है तभी वीडियो देखता है, अगर किसी आदमी के पास टाइम नहीं है तो भाई वो यूट्यूब चलाता ही नहीं है। तो भाई अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो सामने मैंने जो रखा हुआ है ये एम्पलीफायर दोस्तों, इसकी जो कैबिनेट वगैरह है वो हमने ली है ऑडियो ट्रैकर्स, मतलब एम्पलीफायर कनेक्शन, ऑडियो ट्रॉप्स, ये एक ही बंदे हैं जिनका ये पूरा एक ब्रांड है, मतलब जो भी इनका जो टाइटल वगैरह है, नाम है कम्प्लीट, जो भी एक ही ये आदमी है। तो इसके अंदर जो हम बना रहे हैं दोस्तों, वो बना रहे हैं हम 400 वाट का एम्पलीफायर जो कि स्टीरियो में रहने वाला है। और ये ऑडियो बोर्ड भी बेसिकली हम उन्हीं से लेके आए थे, तो उन्हीं का ये ऑडियो बोर्ड है जिनसे हम मतलब ये कैबिनेट लिए। अब दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, हालांकि मैंने विदाउट सोल्डरिंग ऑडियो बोर्ड लिया था, हालांकि मैंने इसमें सोल्डरिंग वगैरह खुद ने करी थी, क्योंकि हम जब उनके पास ये सामान लेने गए तो हम उनको बिना बताए गए थे, मतलब ऑडियो बोर्ड उनके पास रेडी नहीं था, तो हमने जैसा उनके पास था हमने वो वैसा ले लिया, जिससे हमारा थोड़ा काम चल जाए और उनका भी क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम वगैरह वेस्ट ना हो। तो हमने जैसा था उतना ले लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए खुद, तभी आपको नॉलेज होगी कि भाई आयरन को कैसे वर्क करना है, सोल्डरिंग कैसे करनी है, जिस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत काम खुद को भी करना चाहिए आदमी को। तो ये ऑडियो बोर्ड हमने लिया था, और इस ऑडियो बोर्ड को अगर मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सभी भाई ने देख रखा है नीचे से, ठीक है, मतलब कि देखा हुआ है। तो इसमें मैंने जो पावर फिल्टर जो उन्होंने मुझे दिए थे वो आपका 10,000 UF 100 वोल्ट के, और जितने भी इसमें ट्रांजिस्टर हैं वो आप देख सकते हैं जिलिन के 5219-43 लगे हुए हैं। तो इस ऑडियो बोर्ड में, इस कैबिनेट का बेसिकली मेन जो फंडा था वो हमें कैबिनेट का था। कैबिनेट इनकी बहुत ही शानदार कैबिनेट है दोस्तों, और ये साइनी कैबिनेट है जो कि साइनी पेंट में होती है, मैट में नहीं है, ये साइनी में बहुत शानदार कैबिनेट है। हालांकि दोस्तों मैंने उनसे थोड़ा सामान और लिया था इसके साथ साथ, तो ये जैसे व्यू मीटर है ये मैं दिल्ली से ही परचेज करके लेके आया हूँ, मतलब ये PRG का व्यू मीटर 2281 IC के अंदर जो होता है, ये आप देख सकते हैं फ़िलिप्स के, इसमें रेजिस्टेंस और फ़िलिप्स के ही कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। रहा ये जो BT कार्ड है दोस्तों, ये BT कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप समझ पाएँ तो, कि कौन सी कंपनी का इसके अंदर BT कार्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमने BT कार्ड लगा रहे हैं दोस्तों वो है इसके अंदर पगारिया का, मतलब कि ये स्पेशल इस वजह से हम इसमें ये BT कार्ड लगा रहे हैं, जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत सरसराहट हमिंग वगैरह होती है वो ना रहे, बेशक आपका 2-4 पैसा 2-4-50 रुपये आपके फालतू लग जाए, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इस वजह से इस BT बोर्ड को लगा रहे हैं। और इसके साथ जो हमने उनसे बास ट्रेवल मांगी थी, तो दोस्तों बास ट्रेवल ये वाली थी जो कि उन्होंने खुद ने हमें रिकमेंड करी थी, बट दोस्तों इस बास ट्रेवल का ना थोड़ा सा अलग फंडा है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मैंने सारे वॉल्यूम टोन आप देख सकते हैं, वॉल्यूम पे मैंने 10K, बेस पे मैंने 100K, और मिड पे भी 100K, और ट्रैवल पे मैंने 47K। जो भाई इस बास ट्रैवल का जो भी कुछ फंक्शन समझना चाहता है भाई, या इसमें क्या कमी है, मुझे देखो थोड़ी सी एक कमी दिखी इस बास ट्रैवल के अंदर, तो जो इस कमी को आप देखना चाहते हो, पूरा सुनना चाहते हो, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा इस बास ट्रैवल के लिए कम्प्लीट। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि ये कोई आर में थोड़ा बहुत इधर उधर फॉल्ट हो गया तो ये मेरे पास आ गई हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे बोर्ड ही उनके ऐसे हों, तो हो सकता है कि एक आध पीस में हो जाती है 19-20। तो इस बोर्ड को मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी आपको समझाऊंगा, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड के बारे में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि भाई इस बोर्ड के बारे में आप एक वीडियो बनाओ, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर अपने चैनल पर, ठीक है। बेसिकली ड्यूअल लेयर की PCB है और सर्किट बहुत ही शानदार है इसका, ठीक है। तो ये अलग हो जाता है, इसको मैं अलग करता हूँ। अब दोस्तों ये आता है हमारा ट्रांसफार्मर, तो दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, तब जाके ट्रांसफार्मर हमें मिला है। और जिस वजह से आप सभी को पता है कि सावन चल रहा है, कांवड़िया निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इस वजह से जिन जिन की शॉप पे ट्रांसफार्मर वगैरह का काम होता था, उनके सारे जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं वो भी भाई घूमने गए हुए हैं, हरिद्वार है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो दिल्ली मार्केट में तो देखो दोस्तों अवेलेबल था ही नहीं, बहुत बार मैंने जो हमारे जो सचिन भाई हैं एम्पलीफायर कनेक्शन वाले भाई हैं, तो उनको मैंने परेशान करा था फ़ोन कर करके कि कहाँ मिलेगा, कैसे, क्या कुछ है, तो ये इसके साथ वो परेशानी रही है एक।
तो इसको मैंने जो लिया है दोस्तों वो लिया है मैंने गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मर से, जिनका यूट्यूब चैनल भी आप अपना देख सकते हैं सर्च करके, इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें जो दोस्तों मुझे जो टेपिंग मिली है ये आपकी 45045, ठीक है दोस्तों, और ये आपकी 12012, और ये आपकी 012, और ये आपकी 220। ये ऐसा उन्होंने बताया कि 12012 आपका 2 एम्पियर हो जाता है, और 012 आपका 2 एम्पियर हो जाता है, और जो आपका क्या कहते हैं 45045 है, ये बेसिकली उन्होंने मुझे 10 एम्पियर के समथिंग बताया था कि 10-12 एम्पियर है, और जेन्युइन 10-12 एम्पियर ही है, क्योंकि इसमें जो वायर है वो मार्केट के वायर से लाख गुना बेहतरीन वायर लगा हुआ है जो कॉपर में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप देख भी पा रहे हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले से आपको बताने की कोशिश करूँगा, इसका मैंने कंप्लीट अमाउंट जो है उनको पे करा है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और उनकी भी मेहनत को देखते हुए मैंने ये लिया था, क्योंकि दोस्तों जब मैं उनको ले इस ट्रांसफार्मर को स्पेशल लेने गया था तो वो बारिश में कंप्लीट भीगते हुए मुझे इस ट्रांसफार्मर को देने आए हुए थे मेट्रो स्टेशन दिल्ली, तो वहाँ से मैंने इस ट्रांसफार्मर को पिक करा तब मैं इसको लेके आया हूँ। तो ये हो जाता है, और भाई जो भी इस कंप्लीट एम्पलीफायर की वीडियो देखना चाहता है वो चैनल पे जरूर मेरे इस वीडियो पे कमेंट करे, और मुझसे ये भाई कमेंट में ये ज़रूर लिखे कि भाई कंप्लीट इस एम्पलीफायर को रेडी करके दिखाएं कि क्या कुछ इसके अंदर आप लगाने वाले हैं, क्या कुछ इसके अंदर आप नहीं लगाने वाले, और जो इस बास ट्रैवल के रिगार्डिंग जो भी आप पूछना चाहते हैं वो मुझे एक पर्सनल कमेंट करके भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों, तभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे पाऊँगा इन सभी सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट, ये कोई मेरा एम्पलीफायर ऑडियो बोर्ड नहीं है, ये जिनका भी है उनका एक थोड़ा सा जो रिव्यू होता है और जो उनकी क्वालिटी होती है वो चेक करेंगे हम इस एम्पलीफायर, मतलब इस एम्पलीफायर के थ्रू बनने के बाद। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, KDUD चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा कैसा इसका रिस्पांस होना चाहिए और क्या कुछ इसके साथ करना चाहिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।